एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा वर्ल्ड। यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से अपनी मंथली ग्रॉसरी जो है शेयर कर रही हूँ। वैसे ग्रॉसरी सबकी सेम होती है, मैं पहले से ही कह देती हूँ, लेकिन मेरे पास कमेंट्स होते हैं कि दी आप हर मंथ की जो आपकी ग्रॉसरी होती है वो आप शेयर कर दिया करो। इस वजह से मैं हर मंथ जब भी मेरी ग्रॉसरी आती है तो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस मंथ की जो ग्रॉसरी है वो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। और इस मंथ ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया है, जो जरूरत का सामान था वही मंगवाया है, यानी कि जो खत्म हुआ था सामान वही मैंने मंगवाया है। अननेसेसरी सामान इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी जो चीज़ें जरूरत की होती है वही हमें मंगवानी चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है। एक बार आप अच्छे से ग्रॉसरी को देख लीजिए, फिर मैं वन बाई वन करके आपको सारा जो सामान है वो दिखा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी जो ग्रॉसरी है, इस मंथ की ग्रॉसरी है, वो मैंने पूरी टेबल में रख दिया ताकि आप लोगों को देखने में सहूलियत हो जाए और मुझे बताने में भी सहूलियत हो जाए। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, ये है मैदे का पैकेट। ये मैंने दो पैकेट मंगवाए थे, एक पैकेट मैं खोल चुकी हूँ इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। तो मैंने एक किलो मैदा मंगवाया था, और इसका प्राइस भी बता देती हूँ। आधा किलो जो मैदा है वो 20 रुपये का है, यानी कि एक किलो जो हमें पड़ा है वो 40 रुपये का पड़ा है मैदा। और ये है सूजी, सूजी भी मैंने 1 kg मंगवाई है, और इसका प्राइस भी सेम है। ये भी 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो है ये भी, और इसका प्राइस भी 20 रुपये है। तो सूजी भी मैंने 1 किलो मंगाई है, तो 40 रुपये की हुई है सूजी। और ये है साबूदाना का पैकेट, व्रत वगैरह में चाहिए होता है, तो इसका जो प्राइस है, एक सेकंड मैं देख के बताती हूँ आपको, ये 60 रुपीज़ का है। ये 60 रुपये का पैकेट है, और ये 500 ग्राम है शायद। एक पैकेट ये मंगवाया है, और ये है पोहे का पैकेट, और पोहे का पैकेट 70 रुपये का है। इसकी रेट आपको बता देती हूँ, और ये 800 ग्राम का पैकेट होता है, ये 500 ग्राम का नहीं है, ये 800 ग्राम का पैकेट है, और ये है 70 रुपये का। और ये मूंगफली गोटा है, ये भी 250 ग्राम मैंने मंगवाई थी, यानी कि एक पाव। तो इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी इसका प्राइस, और जिसका भी प्राइस मुझे याद नहीं होगा ना वो स्क्रीन पे मैं बता दूंगी, क्योंकि मेरी लिस्ट जो है वो मुझे मिल नहीं रही है। ये है मिल्क फूड का देसी घी, और ये है 450 का एक पैकेट है ये। और ये दलिये का पैकेट है, ये है 25 रुपये का है, 500 ग्राम है दलिया का पैकेट, आधा किलो। ये दलिया ज़्यादा कोई हमारे घर में खाता नहीं है। और ये है पापड़ का पैकेट, जो कि आधा किलो का पैकेट होता है, ये 70 रुपये का है, ठीक है। और ये है काबुली चने, इसका भी मैं प्राइस मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है, ये आधा किलो मैंने मंगवाया है। दालों का और बाकी सब का जो जो मुझे याद है ना वो, और जो पैकेट में लिखे हुए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है चना दाल, ये आधा किलो मैंने मंगवाई, नहीं सॉरी, हाँ चना दाल ही है। और ये है मूंग दाल, मूंग दाल मैंने 1.5 किलो मंगवाई है, 3 पैकेट आए हैं इसके, ये 3 पैकेट इसके आए हैं। और ये है अरहर की दाल, अरहर दाल है। इन सबके जो प्राइस हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी। ये है दाना मेथी, दाना मेथी हुई, एलोवेरा की सब्जी हुई, उस इन सब चीज़ों में चाहिए होती है, और ये काफ़ी टाइम चल जाती है, 2 से 3 महीने चल जाती है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है तो। और ये है बेसन, 1 किलो बेसन है ये। और ये है रिफाइंड ऑयल, धारा का है, तो ये आया है 450 का, ये 3 पैकेट आए हैं। और ये है अजवाइन का पैकेट, एक छोटा पैकेट। और जैसे ये है 1 पाव मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, 1-1 पाव ही मैंने मंगवाई है, 1 मंथ पूरे आसानी से चल जाते हैं। हींग है, हींग का प्राइस इसमें अगर हुआ तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी। और पैराशूट ऑयल है, ये 70 रुपये का है। और एक है राई का पैकेट, जो कि 10 रुपये का है, मात्र 10 रुपये का छोटा पैकेट। और ये है महीन भुजिए, बीकानेरी भुजिया, ये 80 रुपये का एक पैकेट है, 80 रुपीज़ का एक पैकेट है, आधा किलो है शायद ये। और बता देती हूँ, ये है मैगी का पैकेट, मैगी का पैकेट कितने का है देख के बताना पड़ेगा, इसमें अगर रेट हुई तो, कि आई थिंक ये चाय वाला पैक है, 68 रुपीज़ का है, ये 68 रुपीज़ का पैकेट है।
और इसमें लिखा हुआ है एक मतलब स्पून फ्री है, तो देखते हैं जब ओपन करेंगे तो देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। और क्या दिखाना था, और ये बासमती राइस 3 kg, ये है 100 रुपये किलो है आई थिंक, या फिर 95 रुपये किलो, ऐसे कुछ है। 3 किलो मैंने मंगवाए हैं, और ये 3 किलो ही मैंने चीनी मंगवाई है 117 रुपये की है, चीनी मैंने लिस्ट में देखा था। और आटा जो है वो कंटेनर में फिल हो चुका है, तो 10 किलो का आटा मंगवाया है पैकेट, मतलब लगभग हमारे 15 kg आटा लगता है पूरे महीने में, तो 10 किलो का एक बार मंगवा लिया है, फिर जब ख़त्म होगा तो 5 किलो और मंगवा लेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी इस मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। और कुछ कुछ मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि 2 से 3 हज़ार रुपये में पॉसिबल नहीं होता है। बजट वाली जो मेरी वीडियोस हैं उनमें बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि महीने भर का जो सामान है ग्रॉसरी का वो 2 हज़ार रुपये में या 2,500 रुपये में पॉसिबल नहीं होता है। तो डियर आप लोग देख सकते हैं ये जो सामान है ये सारा 2500 के अंदर अंदर का सामान है। इसमें जो है कपड़े धोने की साबुन वगैरह मैंने नहीं मंगवाई है, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी रखी थी लास्ट मंथ में, जो सामान आया था उसमें से बच गई थी इस वजह से। अदरवाइज़ पूरा खाने का जो सामान है इजीली आपका 2,000 रुपये में आ सकता है, जिसमें आपका आटा भी आ रहा है, जिसमें आपका ऑयल भी आ रहा है। जो मैंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट प्लानिंग करके दी है उसमें बहुत से कमेंट्स आते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं कि 2,000 रुपये में ईजिली बहुत सारा सामान आता है आपका, 3 से 4 किलो ऑयल भी आ जाता है, देसी घी भी आ जाता है। और अगर आप चाहें तो इससे कम रेट वाला सामान भी ले सकते हैं, जैसे चावल है तो मैं 100 रुपये kg वाले चावल लेती हूँ, तो आप उससे कम वाले भी आते हैं, 60 रुपीज़ वाले भी आते हैं, और 80 रुपीज़ 80 रुपये किलो वाले चावल भी आते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपना जो ग्रॉसरी का बजट है वो मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि जैसे हर सामान का जगह के हिसाब से भी प्राइस कम ज़्यादा होता है, और अलग अलग शॉप्स पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको भाव अलग अलग मिलेंगे। तो 2,000 रुपये में इजीली आपका एक महीने का सामान आ सकता है, और पॉसिबल हुआ तो मैं आगे आपको ग्रॉसरी के ऊपर एक बजट बनाकर दूंगी, उसमें आप इजीली मैं उसमें आपको बताऊंगी कि 2 से 2,500 रुपये के बीच में इजीली आपका जो ग्रॉसरी का जो भी सामान है वो इजीली आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी ग्रॉसरी की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.